Hello my bellas, welcome back to my channel. I am Poonam and if you are looking for makeup, beauty, skincare, nail art related topics, then you are at the right place. Please be a part of my Bella squad and I would be more than happy. Now let's see how to custom mix foundation today. To chale phir. जा रहे हैं कि हम अगर गलत शेड का फाउंडेशन ले लें, जो कि अक्सर हमारे साथ होता ही रहता है ऑनलाइन में, तो शेड अंडरटोन की गड़बड़ हो ही जाती है। एंड चाहे खुद लेने भी जाएं एंड हमें ठीक से पता हो या ना हो कि किन बातों का ध्यान रखें, फिर भी हम स्टूपिड के जैसे गलत ही उठा के ले आते हैं, फिर आके देखते हैं कि गड़बड़ हो गई। मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। तो ऐसे में हम उन्हें कैसे फिक्स करें कि वो यूज़ भी हो जाएं एंड हमारा पैसा भी वेस्ट ना हो। उससे पहले फाउंडेशन लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान दें, उसके लिए आई विल लीव अ लिंक अबव फॉर यू टू चेक आउट। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमें शेड मैच में। हमें मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। एक तो पहला कि अगर हम कैसा लुक अचीव करने जा रहे हैं, जैसे कि वी वॉन्ट मैट, ड्यूई और सैटिन लुक। फिर एक तो हमारी अंडरटोन गलत है तो उसके लिए मिक्स करना है हमें, या तो शेड गलत है, मे बी वी वॉन्ट लाइट एंड डार्क है हमारे पास, या वी वॉन्ट डार्क एंड वी हैव लाइट शेड। फर्स्टली नेचुरल फिनिश सैटिन फिनिश होती है, ड्यूई फिनिश ग्लोइंग फिनिश होती है एंड मैट लुक इज़ दैट नो शाइन लुक। सो अगर आपके पास मैट फाउंडेशन है एंड आपको सैटिन लुक चाहिए, तो आप अपने मैट फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर मिक्स कर दो। एंड अगर ड्यूई फिनिश चाहिए, देन यू कैन मिक्स एनी फेशियल ऑयल इन मैट फाउंडेशन, या तो आप स्ट्रोक क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपने गलती से बहुत लाइट फाउंडेशन ले लिया है तो उसे फेंके नहीं, और अगर कभी कोई डार्क फाउंडेशन गलती से ले लिया तो आप उसमें लाइट फाउंडेशन मिक्स करके शेड बना सकते हैं। सिमिलरली जैसे एलेगर्ड में डिफरेंट मिक्सिंग एजेंट्स आते हैं, उसमें से यू कैन यूज़ वाइट कलर टू लाइटन एनी कलर यू लाइक। ऑल्सो शेड को करेक्ट करने के लिए फाउंडेशन में आप लाइट कलर का कंसीलर भी मिक्स कर सकते हैं। ऑल्सो आप डार्क शेड में मॉइस्चराइजर मिक्स कर सकते हैं अपने, एंड आपको मिल जाएगा टिंटेड बीबी क्रीम, जिससे आपको थोड़ी कवरेज भी मिलेगी एंड वो शेड आपका यूज़ भी हो जाएगा। लाइट फाउंडेशन को डार्क करना हो तो ऑरेंज कलर का मिक्सिंग एजेंट या ऑरेंज कलर का कंसीलर मिक्स कर दो, या डार्क फाउंडेशन या कंसीलर मिक्स कर दो। नेक्स्ट इज टोन मिक्सिंग। अगर आपको फाउंडेशन को येलो टोन करना है तो आप येलो पिगमेंट या येलो कंसीलर मिक्स कर सकते हो, तो आपको एक येलो फाउंडेशन टोन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको फाउंडेशन कूल में शिफ्ट करना है, देन वी नीड टू मिक्स ब्लू पिगमेंट, या तो आप कूल टोन का फाउंडेशन मिक्स कर दो टू मेक इट मोर कूल। अगर आपकी स्किन पीच पिंक है तो यू कैन मिक्स ब्लश टू इट, जिससे आपको एक पिंक शेड मिल जाएगा। देन वी हैव ऑलिव अंडरटोन। सो ऑलिव का मतलब क्या है? ग्रीन। हमें एक ग्रीन टिंट चाहिए फाउंडेशन में, सो यू कैन मिक्स येलो प्लस ब्लू कलर विच मेक्स ग्रीन कलर, और आप ग्रीन कलर कंसीलर भी मिक्स कर सकते हो। ऑल्सो नोट, ब्लू न्यूट्रलाइजेस फाउंडेशन, सो इफ़ योर फाउंडेशन इज टू वॉर्म और ऑरेंज लुकिंग, यू कैन मिक्स वाइट टू लाइटन द शेड एंड एड अ लिटिल ब्लू टू ब्रिंग इट बैक टू द न्यूट्रल अंडरटोन। ऑल्सो कलर थ्योरी को ध्यान में रखें, क्या मिलाने पे क्या जनरेट होता है, देन इट विल हेल्प यू टू अचीव योर डिज़ायर्ड लुक्स। दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। आई ट्राई टू टेल यू एज मच एज आई कैन, होप इट हेल्प यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लीव अ कॉमेंट। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू हिट दैट बेल आइकन फॉर ऑल दी अपकमिंग वीडियोज़। अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर एंड चाओ बेलास।